ऑन नहीं है ओके okay, सो so अभी एवरीथिंग इज फाइन हेलो हाउ आर यू पलटन कैसी है आज ये दो दो चैप्टर ना ये दो चैप्टर बहुत स्कोरिंग है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है दोनों ठीक है इतने थोड़े एफर्ट में आप इसमें मार्क्स ला सकते हो इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर दिस फुल यूनिट इज वेरी स्टोरिंग क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें सिर्फ दो चैप्टर है और सारे के दो के दोनों ईजी है बायोटेक एक यूनिट है जिसमें आपके दो चैप्टर हैं लेकिन फिर भी वहां पे क्या है वहां पे एक चीज है कि आपका बायोटेक प्रिंसिपल बहुत तगड़ा वाला डिफिकल्ट पड़ जाता है ठीक है लेकिन अभी यहां पे ये बिल्कुल नहीं है तो इसलिए ध्यान से सुनना और ये अपना पूरा जो सेशन है इसको खत्म करो ठीक है और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं एक्चुअली इसमें अभी कुछ समय पहले तक हम क्या करा रहे थे जो क्वेश्चंस करा रहे थे ठीक है अरे यार इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में तो फाइव हंड्रेड तो हिट करना ही चाहिए बॉस क्या करेगा क्या होगा भाई रुकी ठीक है जेनेटिक्स को तो कंपटीशन देता है ना वेरी गुड तो आज हमारा टारगेट क्या है आज हमारा टारगेट है क्या आप बताओ आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर को ऐसे करना कि आपके एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से गलत ना हो ठीक है so, सो इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज आप देख सकते हो आप कितने पानी में हो क्योंकि ये चैप्टर ना कितने बज रहे हैं अपने 7:30 हो रहा है 7:20 7:20 हो रहा है बच्चों अभी क्या है 7:20 से नाइन थर्टी विद इन टू आवर्स मैक्स यह मैक्स टाइम आपको बताना है हम पूरा दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे वन शॉट जो आपकी थ्योरी है पूरा खत्म हो जाएगी आपको एक एक टॉपिक आएगा आप कभी पढ़े हो ना पढ़े हो अगर आप यहाँ पे एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसने बिल्कुल ये टॉपिक किया भी नहीं है फिर भी उसे कोई इश्यू नहीं होगा ये मेरी गारंटी है जो टॉपिक हम कराएंगे आपका यहाँ पे अब देखो दूसरी चीज दूसरी चीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ही कर रहे हैं आंखें खोल के देखो ठीक है आपका काम क्या है आपका काम क्या है फटाफट से पहले शेयर करो ठीक है अच्छे से अपना इस पे लाइक्स हिटो सिर्फ इतना काम फिर मुझे भी एनर्जी आ जाए क्योंकि भाई सुबह से आज सेशन ले रहे हैं ग्यारह बजे से अपनी हालत की हो गई है पास्ता तो अभी आते हैं आ, इस सेशन के बारे में खास क्या है इस सेशन की कितनी तारीफ हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस सेशन में आज आपका टेस्ट है यस क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे इसमें आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम थ्योरी ऐसे कराएंगे उसमें सिखा दिया जाएगा आपका टेस्ट है कितने बजे साढ़े नौ है वहां पे आप अपनी रैंक देख पाएंगे मुझसे डाउट पूछ पाएंगे क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली सिर्फ आपका डाउट देखते रहेंगे यहां पे भी क्या होता है कमेंट सेक्शन हमारा दूसरे स्क्रीन पे दिखता है यूट्यूब पे बट यहां पे टेस्ट के टाइम पे आप मुझसे वॉइस कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी प्लस के मेंबर हैं तो नहीं तो तो अपनी कितने बजे हैं नाइन थर्टी पीएम पे अपना सेशन है रेडी हो जाओ लिंक कहां मिलेगी टेस्ट की जो लिंक है जो टेस्ट की लिंक है वो है कहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टोटली फ्री टेस्ट है ठीक है कितने बजे नाइन थर्टी पीएम टू नाइट हो सकता है आपको स्टार्टिंग में फ्री ना दिखाए ऐसा कुछ अनलॉक कोड मांगे बट डरने का नहीं है आपको क्या करना है जहां पे अनलॉक कोड बोल रहा है वहीं पे आपको ऐड कर देना है निकिता लाइव पैसे नहीं जाएंगे सिर्फ आपको ये कोड डालना है ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई कि नहीं पहले ये बताओ पहले सारी की सारी एनरोल करो पहले सारी के सारे बच्चे एनरोल करो एनरोलमेंट हो गया बच्चों हो गया एनरोलमेंट कल की क्लास मिस हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं नहीं सारे चैप्टर की नहीं होंगे यही खास बात है अरे रिक्की टेंशन मत लो अरे प्लाज्मोडियम साइकिल हर्ष ऐसे ऐसे आपको अभी सुनाएंगे ना कि आपको अभी के भी याद हो जाएगा इनरोलमेंट हुआ इनरोलमेंट हुआ, हुआ। देखिए दो चीजें दी है आपकी अगर अच्छा इनरोलमेंट वाला लिंक आपको यहां पे दिखेगा इनरोलमेंट वाला लिंक है नहीं क्या

ठीक है और आज हम देखते हैं कौन सा वो बच्चा है जो टॉप टेन में मुझे दिखता है किसकी रैंक मुझे दिखती है बिकॉज अभी यहां पे इस वक्त 300 बच्चे हैं 300 बच्चे में वो टॉप टेन बच्चा कौन होगा किसकी स्पीड सबसे तकड़ी है सिर्फ दो चैप्टर है देखो खुद कितने पानी में हो सिर्फ दो चैप्टर की बात है खैर उम्मीद करते हैं अच्छा ये देखो इसको तो हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है इस वजह से आपको ये नहीं दिखेगा ठीक है नहीं तो ये ना कुछ हमारे फ्री सेशन है जो कि बहुत अच्छे अच्छे सेशंस बहुत सही तरीके से प्लान किए गए क्योंकि आज ना मैंने एक चीज ध्यान दी कि यूट्यूब पे जो एक चीज मिसिंग होती है वो होती है अपना क्या पर्सनल कनेक्ट मतलब इन कंपेटिजन टू एप वाले पे ए भाई ये क्या होगा ये ऐसे ट्रेणा रहेगा खुद को देख रहे हो कितना डांस कराना पड़ रहा है कोई बच्चा आज सुबह की क्लास में बोल रहा था मैम डांस कर दो मैम डांस कर दो हमने कहा चलो हम इतने सारे लोगों को डांस कराएंगे ये देखिए कैसा लगा बैकग्राउंड म्यूजिक तुम लोग देते रहो बस ठीक है क्योंकि ये डांस ही चल रहा है इस वक्त ठीक है इसको मुझे लगता है इसको मुझे छोड़ ही देना चाहिए ठीक है ऐसे ही समझ लो ऐसे ही समझ लो देखो अभी यहां पे क्या है ये है अभी अभी हमने इसको लॉन्च किया आपके लिए तो इसपे आप ना जाके एनरोल करो ये इंस्टेंटली मैंने लॉन्च करके लिया था सेशन

ठीक है आपको जो भी डाउट है कहीं से भी डाउट है टोटली फ्री है कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है एक भी कमेंट मिस नहीं होंगे सेशन टोटली फ्री है ठीक है बस आप बेहतर तरीके से कर इसीलिए हमने ये सेशन उठा के डाले हैं ठीक है थीके? चलो आओ अब शुरू करते हैं इसी के साथ वन शॉट कितने बच्चे हो गए आई थिंक अभी तो हमारा टारगेट हिट कर चुके हो आप लोग अब हम शुरुआत कर सकते हैं सेशन टू एटी हाँ। यही होगा ठीक है तो so, देखो सबसे पहले ह्यूमन एंड डिसीज में अपने पास क्या होता है एक एंशियंट व्यू था एंशियंट व्यू बोलते थे एंशियंट व्यू को सिर्फ इतना बोलना था कि अपना ना बॉडी की जो हेल्थ है ये डिपेंड करती है कि अपने बॉडी में कितना बैलेंस है, है ना ह्यूमर का बैलेंस कितना है फ्लूड का बैलेंस कितना है ठीक है तो वो कि बकवास प्लान था क्योंकि फ्लूड बैड ह्यूमर गुड ह्यूमर गुड बाइल ऐसा कुछ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट होता नहीं है जब डबल फर्टिलाइजेशन विलियम डबल फर्टिलाइजेशन डबल सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने दिया उसके बाद से ये सारे कॉन्सेप्ट ढीले पड़ गए इन सारे कॉन्सेप्ट में से किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी क्या बात है वेयर अबाउट टू हिच थ्री तो इन सारे कॉन्सेप्ट में से किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है मॉडर्न व्यू आपका कौन देता है दोती और जैसे आप बिहेवियरली हो सोशली हो आपको कब क्या किसको कहा किस वक्त बोलना है लोगों से कैसे पेश आना है अगर आपको ये सब पता है तभी आप फिट हो नहीं तो आप बॉस फिट हो नहीं ठीक है तो अब देखो यहां पे आता है कि चलो हेल्थ को अफेक्ट करने की वजह क्या क्या हो सकती है बताओ किसको हम बोल सकते हैं कि वजह तुम हो किसके लिए आप गाना ये गा सकते हो कि वजह तुम हो वो है सबसे पहला अपना जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक है वो सबसे पहले अपना क्या है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर सेकेंड क्या है अपना इंफेक्शन थर्ड क्या है लाइफ एक तो हो गया कि चलो प्रॉब्लम थी माँ बाप से ही कुछ प्रॉब्लम आ गई जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता

डिसीज डिसीज है क्या जब हमारी किसी भी बॉडी के एक या एक से ज्यादा पार्ट में डिस ईज ईज का मतलब होता है कंफर्ट जब हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन कोई पार्ट अगर आपका ईज पे ना हो कंफर्ट पे ना हो उसी को हम बोलते हैं डिसीज अब देखो डिसीज को हम लोग दो पार्ट्स में डाल सकते एक एक हैं एक इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्शियस सब बच्चों वाली चीजें हैं इन्फेक्शियस भाई आपको इन्फेक्शन पास कर रहे हो एक दूसरे को है ना मैंने छीका आप मेरे सामने आए आपको हो गया जुकाम हो गया इन्फेक्शस डिसीज अब मैंने छीका आपने नहीं उसको पास ऑन किया नहीं लिया सॉरी लेट्स से किसी को कैंसर है और फिर क्या हो रहा है कि सामने वाले किसी को टच करने पे कैंसर नहीं होता है ठीक है अब देखिए यहां पे अपने पास क्या है कि ऐसी दो तरीके की डिसीज होती है इन्हें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं हमारे पूरे पूरे यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिम्टम पॉजिटिव एजेंट ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए इसको एकदम ध्यान ध्यान से सुनना सबसे पहले अपने पास है बैक्टीरियल कौन सा है बैक्टीरियल डिसऑर्डर बैक्टीरियल में सबसे पहले अपने पास आ जाती है है टाइफोग। टाइफोग है टाइफी जिसकी वजह से होता होता क्यों क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब आप गंदा खाना या पानी खा पी लेते हो तो आपको टाइफॉइड हो जाता है अब टाइफॉइड देखो टाइफॉइड आपको पता है बुखार है ना फीवर का एक टाइप है तो सबसे पहले तो सिम्टम तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई फीवर होगा दूसरा सिम्टम आपका क्या होगा दूसरा सिम्टम आपका हो जाएगा कमजोरी पेट में दर्द कब्ज बनना सर में दर्द भूख नहीं लगना इंटेस्टाइनल परफोरेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ठीक है इसको याद रखना ठीक है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आपका निमोनिया निमोनिया देखो हर सिम्टम में अगर तुम हेड और वीकनेस लिख के आओगे अंडा मिलेगा तुम्हें जीरो मार्क्स मिलेगा मार्क्स नहीं मिलने वाला है अगर आपने ढंग से इसको किया नहीं तो अब आता है इशू कि अब हमें क्या करना है है ना क्या कौन से आंसर लिखना है आपको ऐसे सिम्टम्स डालने हैं जो यूनिक हो जो सिर्फ इसके हो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो है ना एक दो साइड में आपने ऐसे स्टडनी के लिए लगा दिया सर दर्द वीकनेस तो बात अलग है नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला अगर एनसीआरटी नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा निमोनिया निमोनिया आपका किसकी वजह से होता है स्टेप्टोकोस निमोनिया अंडरलाइन करना मत भूलना या तो इटालिक्स में लिखना हिमोफ्लिस इन्फ्लुएंजा ये होता है ड्रॉपलेट्स एरोसोल या फिर फोमाइट ये क्या है ड्रॉपलेट्स बेसिकली हमने छीका अब जो भी भीज का मेरा पार्टिकल है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सस्पेंड हो गया हो गया ड्रॉपलेट्स एरोसोल क्या हो गया जब कोई भी इंसान ऐसे किया है ना बोल रहे हो तो अभी क्या हो रहा है मेरा वेपर आप एनवायरमेंट में जा रहे? अब यहाँ अब क्या हो रहा है जो भी वायरस जो भी बैक्टीरिया जो भी जिसके माउथ में होता है वो एयर में सस्पेंड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एरोसोल फोमाइट क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फेक्शन कैरी करे रही फोमाइट हो सकती है हो सकता है कि अभी आप जो बुक लेके बैठे हैं उस पर कोई इन्फेक्शन हो वो फोमाइट हो गया आपने गेट खोला रिमोट लिया टीवी उठाया एसी उठाया हर कुछ फोमाइट हो गया ठीक है उससे भी हो जाता है इसमें क्या है इसमें बुखार तो आता है बट ठंड के साथ आता है खांसी लगती है सर दर्द होता है सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर नेल्स ग्रे से ब्लू टर्न हो जाते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना कि निमोनिया में आपका लंग्स अफेक्ट होता है है ना जो एल्वलाई है उसमें आपका क्या होता है फ्लूड फिल्ड हो जाता है जब फ्लूड फिल्ड हो जाता है तो एलवलाई से आपका क्या होता है ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है ब्लड में तो जब ब्लड की कमी होगी तो आपका ग्रे से ब्लू स्टंट होगा ही। लिप, उसमें बड़ी बात है? डिसेंट्री हो गया हो हो गया, हो गया, ये आपके हैं। हैं अब हम लोग आ जाते हैं वाईरल पे। वाईरल पे सबसे पहला कॉमन है कॉमन कोल्ड जो कि हर किसी को होता रहता है किसको किसको आजकल कोल्ड चल रहा है कौन कौन है जिसको कोल्ड हुआ है जमीला किसको कोल्ड हुआ है बच्चा कोल्ड हुआ क्या किसी को नहीं हुआ चलो तो कोल्ड के लिए क्या है कोल्ड के लिए चाहिए वायरस अगर आप चाहते हैं कि आप कोल्ड की ताजी ताजी एक तरकारी बनाएं और जिसको कोल्ड परोस दे तो आपको उसके लिए चाहिए एक राइनो है ना आप उस राइनो वायरस को किसी की बॉडी में छोड़ सकते हैं कैसे अब अगर जहां पे राइनोवाइरस है आपकी बॉडी में आप मारे अच्छी है ना छीके नहीं है तो आप कुछ नहीं तो जाके उसका कॉपी पेन बर्तन है ना सेम सेम में में कह नहीं हम तो प्यार दिखाएंगे कप पानी पी लें आप उसको कॉमन कोल्ड आसानी से दे सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई दिली ख्वाहिश है तो क्योंकि बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है तीन से सात दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और टिकता भी लगभग एक हफ्ते है ठीक है एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या होता है इसमें लंग्स पे कोई असर नहीं होता है आपकी जो सांस रेस्पिरेटरी पैसेज है वो टोटली अफेक्ट हो जाता है और फिर आप ऐसे से करते हुए घूमते हुए ऐसा लगता है कि ड्रग्स लिया जा रहा है ऐसे कुछ आपके ख्याल आने लगते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है ब्रीदिंग सिस्टम आपका इंपैक्ट नहीं होता आई थ्रो दिस फोन ट्रस्ट में इसका अलग ही स्यापा चल रहा है हाँ तो किसको किसको नो आई विल नॉट आई एम जस्ट सेइंग अरे आज इसके चक्कर में ना इस फोन के चक्कर में एक तो मेरा सेशन डिले हुआ ऊपर से इसमें अलग ही रिफ्रेशमेंट नहीं दिखाता है इसमें वाईफाई भी कोई नहीं चल रहा है ठीक है सो नेजल कंजेशन हो जाते हैं आपको पता है नाक जम बोलते हैं ना मम्मी डिस्चार्ज ऐसे मस्त मलाइयां निकालते हो ऐसे से करके गले में खरास आ जाती है और फिर आप अपनी मन की बात सामने वाले को नहीं बोल पाते हो लेकिन खैर यहाँ पे खराश हो या ना हो कोई जरूरत नहीं आप अपने मन की बात हमसे जरूर बोल सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में और बेटा अभी तो एक दो घंटे बाद आपकी जो मन की बात है वो बात हम लोग निकालेंगे कहां पे स्पेशल क्लास पे जहां पे है आपका टेस्ट ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास क्या है हाँ थकान तो लगती है क्योंकि जुकाम हो जाता है सच में काम करने का मन नहीं करता कफ है हेडेक हो ही रहा है निमोनिया और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है वो कि उसमें लंग्स इफेक्ट होती है इसमें सिर्फ आपका नेजल कंजेशन होता है ठीक है अब हम आ जाते हैं मलेरिया मलेरिया की जिंदगी बड़ी ही खुश रंग है बेरंग तो आओ मलेरिया की जिंदगी थोड़ी पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा आने वाला इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक काम करो वेरी इंपॉर्टेंट जो सेशन है इसको जाके ना किसी को बेच के आओ येस यस यस पीसीएमबी वाले बच्चे बहुत अच्छा चैप्टर यह किसका साइड ऑफ इंफेक्शन चाहिए जमीला किसका साइंड ऑफ इन्फेक्शन चाहिए ठीक है चलो आ जाते हैं मलेरिया पढ़ते हैं मलेरिया की कहानी थोड़ा सा जान लो मलेरिया की कहानी में जिंदगी कुछ ऐसी होती है देखो एक होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एक होता है ठीक है प्लाज्मोडियम होता है एक तरीके का प्रोटोजोवन आता है ठीक है क्या है एक प्रोटोजोवन है प्रोटोजोवन में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम अब प्लाज्मोडियम की जो जिंदगी है बड़ी अच्छी है ठीक है इसके अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इसके नेम होते हैं जैसे जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसको हम बोल देते हैं लो तुमने इतना सम्मान वाला काम किया तुम्हें हम एक स्पेशल नेम देंगे इसको स्पोरोजॉइट बोल देते हैं ऐसे होता है मीरोट होता है बट आपके इसमें सिर्फ एक ही नाम है तो बेसिकली प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्टेज पे प्लाज्मोडियम के अलग अलग नेम होते हैं सबसे पहली बात तो आप ये जान लो अब होता क्या है प्लाज्मोडियम आपका क्या कर सकता है उसके अंदर कितनी औकात है कितना दम है उसमें उसमें दम बहुत है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में अपने पास क्या होता है कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम आपका करता है क्या है कि वो आपका सबसे पहली चीज तो उसे दो लोग पसंद है जानना चाहते हो कौन कौन दो लोग उसे एक तो चाहिए मच्छर दूसरा चाहिए इंसान ठीक है मच्छर चाहिए उसे अपनी जिंदगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली जहां पे गैमेटिक फ्यूजन हो तो गैमेटिक फ्यूजन के लिए इसे चाहिए होते हैं मॉस्क्यूटो कौन चाहिए होता है मॉस्क्यूटोटो इट रिक्वायर्ड

असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है ह्यूमन ह्यूमन में होता है और यहाँ पे क्या होता है इनको हम बोल देते हैं तो है. कहानी. कहानी, कहानी अच्छा क्या इस सेशन पे 500 हिट नहीं करेंगे नहीं इसे जेनुअन क्वेश्चन है मतलब एग्जैक्टली इज द रीजन आई जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग तुम लोग को चाहिए सेशन थोड़ा लेट से क्रिएट होगा दैट्स वन पॉइंट बट वाई रीजन exactly क्या है क्या करेंगे जस्ट इमेज थ्री हंड्रेड बच्चे लाइक विद यू भी सिक्स हंड्रेड रिट कर जाएंगे और झूठ मत बोलना की एक भी दोस्त नहीं है तो आई थिंक उतना कर सकते हैं चलो नहीं प्लीज डोंट भी यार क्योंकि रात में जो है देखो

ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है क्योंकि मच्छर तो आपको पता है इंसान को काटता है क्यों काटता है फीमेल मच्छर काटते हैं क्योंकि उसको कैल्शियम चाहिए होता है अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए ठीक है रिप्रोडक्शन के लिए तो मच्छर के अंदर क्या होता है अपना प्लाज्मोडियम चला जाता है कहता अरे वाह मैं आ गया देखो मैं आ गया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने है. अब प्लाज्मोडियम आपका स्पोरोजॉइट के फॉर्म में है यहाँ पे इस वजह से वी विल ओनली यूज द टर्म स्पोरोट इस से आपका क्या करता है में रहेगा, तो उसकी हो जाएगी क्यू? ब्लड में हमारी होती है पूरी आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट्स अपने पास तो पूरा आर्मी सिस्टम है तो ब्लड में ज्यादा देर टिकेगा तो जाएगा इसलिए बहुत स्पीड में वो भाग के क्या करता है कहां छुप जाता है वो छुप जाता है आपका लीवर में लीवर के अंदर आपका क्या होता है लीवर के अंदर जाता है थोड़ी देर रहता है उसकी जो हिपेटोसाइट सेल होती है वहां पे बोलता है कोई नहीं हाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं है तो लीवर के अंदर कर लेता है आसेक्शुअल रिपोर्डक्शन आसेक्शुअल रिपोर्डक्शन का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे होता मल्टीपल फिजन जो कि होता क्या है जो कि सिर्फ इतना सा होता है कि आपका यहाँ पे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऐसे एक से कई सारे बन जाते हैं अब तो इनकी संख्या बहुत सारी हो गई बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो गए अब कहते हैं अब वक्त आ चुका है कि हम कुछ बड़ा टारगेट करें कुछ तबाही मचाएं अब अपनी आर्मी तैयार है तो अब ये क्या करते हैं आपके लीवर से लीवर से निकल के भागते हैं कहां पे आ जाते हैं आरबीसी पे अटैक करते रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो हमारी रेड ब्लड सेल्स को इंपैक्ट करते हैं तो अब क्या है कि रेड ब्लड सेल्स को जो इंपैक्ट करते हैं वहां पर भी जाके वही करते हैं यहां पर भी रिपोर्डक्शन करते हैं आसेक्षौल रुप्रड़क्षन. आसेक्षौल रुप्रड़क्षन करने के बाद फिर क्या करते हैं फिर इसी के अंदर अपना मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बना लेते हैं गैमेटोसाइट क्या बेसिकली एक तरीके का गैमेट की सेल उसको बना के रख लेते हैं उसके बाद अपना गैमेटोसाइट बन गया है ना खुद रह गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आपके साथ साथ में आपके क्या करते हैं आरबीसी को रैप्चर करने लगते हैं बूम 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 मतलब इट्स लाइक कि वो सीन देखा है कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसी में बॉम्ब रख के बस निकलते हुए ऐसे रिमोट दबा दो बैकग्राउंड पे ऐसा हो रहा है कुछ वैसे ही आरबीसी के साथ करते हैं वहां पे जाते हैं उन्हीं के लोग के साथ रहते हैं वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बाद बूम 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 करा के निकल लेते हैं एकदम बेकार तरीके से ठीक है अब देखो आपका क्या होता है ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका बहुत सिंपल सी कहानी होती है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमेटो बन गया अब यहाँ पे जब ब्रेकअप होता है आरबीसी का तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यहां पर रिलीज होते हैं हिमोजोइन हिमोजोइन क्यों रिलीज होता है अब यही हिमोजोइन की वजह से लोग को लगती है ठंड और होता है बुखार

गट से जाइगोट फिर कहाँ जाता है हैबरी ग्लैंड में प्राइमरी होस्ट कौन है मच्छर सेकेंडरी होस्ट कौन है इंसान क्यों मच्छर प्राइमरी होस्ट है क्योंकि उसमें होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें असेक्सुअल हमें क्यों बोला गया सेकेंडरी होस्ट क्योंकि हमें होता है रिप्रोडक्शन तो अब यही है मलेरिया का होना और इसी से, इसके बाहर से, से कुछ क्वेश्चन में आपकी pain, है ना, जब पेट खराब हो जाता है दस मिनट सीरीज भी आएगी बेटा आएगी तो बहुत कुछ लेकिन क्या बोले मैम आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे पढ़ाते थे अच्छा सवाल है ओके okay. हाँ अब अच्छा एक अच्छा सवाल है वो ये है कि मैम मलेरिया क्यों नहीं होता मलेरिया नहीं मिलता बैठने का तो मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई के ऊपर करते ही नहीं है तो आपका टेंशन होता ही नहीं है ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे इनिबास्टी का यहाँ पे हो गया अच्छा ये आपको पता अमीबा, ही चल गया देखो इसमें कुछ होता नहीं है यहाँ पे है क्या इसका स्प्रेड हम आपको समझाते हैं बहुत मजा आएगा तुमको समझने में मान लो ये चिंटू है अपने चिंटू को हो गई अमीबिक डिसेंट्री है ना उसको डिसेंट्री है इस वक्त काम रहे हो ये देखो ये चिंटू है चिंटू को हो गया अमीबिक डिसेंट्री है ना अब चिंटू गया खेत में अब उसने यहाँ पे कहा अब हम बनाएंगे यहां स्वच्छ भारत अभियान है ना ये यहाँ पे इसने सुबह सुबह फ्रेश हो लिया अब यहाँ पे क्या हुआ इसी के साथ साथ जो हमारा इंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जाएंगे ही ना हिस्टोलिटिका अब क्या हुआ अब तुम गए नाश्ता नाश्ता ये मेरा पेपर खत्म हो गया ये अब हम जाएंगे और मैम की क्लास शेयर करेंगे मैम की क्लास पे लाइक्स बढ़ाएंगे साथ में पार्टी करेंगे ऐसे कुछ करने तुम चले गए स्ट्रीट पे फूड खाने ठीक है अब स्ट्रीट पे तुम्हें मोमोज देख के ऐसे तुम्हें नहीं किसी को भी आ गए ऐसे देखिए तुमने कहा अरे वाह इसको तब हमें खाना है ठीक है अब हो गया क्या तब तक एक मक्खी आएगी नाश्ते हुए जो किसी जमाने में यहाँ पे बैठ के आई है तो उसके पैर में ऑलरेडी आपका क्या है हिस्टोलिटिका के माइक्रोब्स आई मीन आ चुके हैं पार्टिकल्स आ चुके हैं ये यहाँ पे तो अब खाने में चला गया हिस्टोलिटिका अगर जो इंसान इसे खाएगा उसके अंदर भी इंटरमिव हिस्टोलिटिका चला जाएगा और उसको भी हो जाएगा अमी इसलिए स्ट्रीट फूड ना खाएं यही हमारी ओवरऑल कहानी थी इसमें और कुछ थी नहीं ठीक है नेक्स्ट अच्छा हुआ यू आर आरएबल टू रिकॉग्नाइज चलिए नेक्स्ट आते हैं

ठीक इंटेस्टाइन को उठा के ब्लॉक कर देता है लेकिन एग जाता कैसे है हम लोग की बॉडी में क्योंकि ये में में होता है अब में आपका क्या हुआ है कि अगर ये गाजर वगैरह ले आओ जो आपकी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं उनमें अगर अच्छे क्लीन ना करो तो आपकी बॉडी में चला जाएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि इंटेस्टाइन में से पोर्स बना देते हैं और इंट, इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं बेटा जब ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक करने का सिंपल सा मतलब है ना कि क्या होगा

इसमें आपका जो लोअर ये बॉडी पार्ट होता है ये ऐसे स्वेल कर जाता है क्योंकि यहाँ पे लिम्फ नोड में लिम्फेटिक फ्लूड फिल्ड हो जाते हैं और जेनाइटल रीजन का आपका ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाता है ठीक है इसे हाथी पाव बोला जाता है बहुत सालों बाद पता चलता है बहुत साल साल तक रहता है तब पता चलता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टर्म्स के साथ बहुत ज्यादा खेला जाता है इसलिए इसको ध्यान रखना ठीक है डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि बेसिकली पूरा शेप खराब हो जाता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ग्रॉस डिफॉर्मिटीज क्रोनिक इन्फेक्शन ये सारे कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है अब आ गए फंगल पे फंगल पे हमारे पास है माइक्रो माइक्रोस्पोरम ट्राइक्रोडर्मोफाइटॉनडर्मोफाइटॉन ये अपने पास तीन तरीके की फंजाई है जो आपका रिंगवॉर्म देखते हो ना वो खुजली होने लगती है इंटेंस इचिंग इसका सबसे बड़ा सिम्टम है यहाँ पे क्या होता है ऐसे सूखे सूखे से लेजें बन जाते हैं है ना देखिये हो गए आपने इचगार्ड के उसमें एडवर्टाइज में और एनसीआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है ठीक है उसी को बोलते हैं ये कहाँ पे होता है देखो फंजाई के लिए चाहिए होता है कि फंजाई को चाहिए होता है ह्यूमिड कंडीशन और थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो तो वो आपकी स्किन की फोल्ड्स में हो गया नेक की रीजन हो गया जहां पे थाइस ज्वाइन हो रही है वहां पे हो गया टोज के बीच में हो तो गया क्योंकि वहीं पे ह्यूमिडिटी रहती है कभी भी आप हाथ बोलो आपके ये सरफेस सूख जाता है ये सरफेस सूख जाता है फिंगर्स के बीच का पानी नहीं सूखता है तो वहां पे ये सब हो जाते हैं ठीक है तो इस वजह से और ये टॉवल क्लोथ्स कॉम्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको परेशानी इससे हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं और अच्छा एक और चीज है एक तो हो गया कि हमारी स्पेशल क्लास का है ना दूसरा आपको पता है यहीं पर डिस्क्रिप्शन चेक कर ले डिस्क्रिप्शन बहुत काम की लिंक रहती है एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है ठीक है बायो का थर्टींथ फोर्टीन फिफ्टींथ ठीक है ये सॉरी हम तुम लोग को बताना भूल गए थे Uh, ये क्या है ना इंडिया लेवल के बच्चे दे रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे दे रहे हैं और बहुत तगड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका इवन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना आपको जो नीट वगैरह आपको आगे तैयारी करनी है तैयारी करनी है उसमें आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट नाइन्टी नाइन्टी हंड्रेड हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा सो इट्स वर्थ इट है ना और अगर चलो ठीक है कि हम नहीं मैम हमारा बहुत अच्छा नहीं आएगा मेरी तैयारी नहीं अच्छी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अरे यार क्वेश्चन देखोगे वही सारे कोई सारे क्वेश्चन उसी में से बोर्ड से बन जाएंगे क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स ने उन क्वेश्चन बनाया है तो जाना करना और मुझे आके बताना कि हाँ कैसा हुआ उसको भी आपको अनलॉक करना होगा ना तो आप क्या कर देना वही निकिता लाइव कोड हर जगह डालो जहां पे भी आपको अनलॉक मारना है ठीक है ये तुम लोग को मुझे कल बताना था आज तुम लोग दे देते दिन में बट कोई नहीं दे आना ठीक है इसको दे के आ जाना तुम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट निकिता लाइव कोड लगा देना पैसे नहीं पड़ेंगे टेंशन मत लो कोड लगाने बोलते हैं तुम लोग तो कोड को बदनाम कर दियो है ना कि कोड का मतलब पैसा कोड कोड इज इज टू टू पैसा नहीं बेटा अनलॉकिंग अच्छा अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन पर्सनल पब्लिक हाइजीन कैसे ख्याल रखोगे अपना कि आपको बीमारी ना हो बेटा अपनी तो बॉडी को क्लीन रखो ठीक है अपनी बॉडी को अगर आप क्लीन नहीं रखोगे दस पांच दिन में एक आध बार नहा लिया करो ठीक ठाक पानी और साफ सुथरा खाना खाया करो है ना और उसके बाद पब्लिक हाइजीन के लिए अपने घर का कचरा दूसरे के घर में मत फेंका करो प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट एक्सक्रीटा रखा करो दूसरे के घर में स्वच्छ भारत अभियान मत बना दिया करो ठीक है आपके आसपास में जो वाटर के रिजर्व है उनको क्लीन रखो क्यों क्योंकि पानी रहेगा तो मच्छर रहेंगे मच्छर रहेगा तो मलेरिया होता रहेगा ऐसे ऐसे बहुत सारे वैक्टर वॉर्न डिसीज होती रहेंगी वेक्टर बोले तो कैरियर है ना याद रखना जैसे एमीबाइसिस में हाउस फ्लाई कैरियर का काम करती है तो वेक्टर अगर टर्म आए तो घबराना नहीं होती है कार ठीक है तो स्टैंडर्ड अच्छा आपकी अभी यही चीज है आप हाइजीन पब्लिक हाइजीन ध्यान दो ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेक्टर को कैसे कंट्रोल करना है वेक्टर वैक्टर के बारे में है, रुका हुआ पानी नहीं रोकना चाहिए क्यों क्यों कोई मुझे बता सकता है जवाब क्यों पानी रुके हुए पानी से क्या समस्या है भाई जल ही तो जीवन है ठीक है ठीक है कुछ बच्चे कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कितने प्यारे हैं अरे क्या करूँ इन्हें जल ही जीवन है वेरी गुड क्योंकि मच्छर आने लगते हैं अरे यश पढ़ है आजकल क्या बात है

अब हम आ जाते हैं इम्यूनिटी पे इम्यूनिटी क्या है बेसिकली आपकी बॉडी को सुरक्षा व्यवस्था है ना देना कि आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉग एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट इज इम्यूनिटी अब इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है एक आपको बाई बर्थ मिलती है जिसको इननेट बोलते हैं एक आपको एक्वायर्ड मिलती है जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हो इननेट हमें कहां से मिलती है हमें मिलती है बर्थ से ये होती है तीन तरीके की ठीक है एक आपकी होती है फिजिकल एक होती है फिजियोलॉजिकल एक होती है साइटोकाइन एक होती है सेलुलर ठीक है फिजिकल क्या है जैसे स्किन हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई स्किन तो आपको ऑफ कोर्स जब से आप बचपन से जन्म लेते हो आपके पास होती है कि हाँ कोई भी बॉडी में ऐसे ना घुस जाए तो स्किन होती है अब म्यूकस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन म्यूकस आपकी नोज वगैरह में होती है ठीक है अगर मान लो कोई घुसने की कोशिश किया तो उसमें ट्रैप करके उसको हमारी बॉडी मार देती है फिजियोलॉजिकल हो गया जब भी अगर कोई माइक्रोब घुसता है तो टेम्परेचर बढ़ा देती है तो बुखार एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है ना कि कोई बीमारी है मतलब आपको अलर्ट कर रही है कि भाई देखो हालत खराब हो चुकी है सैलि सिक्रीट कर देती है पीएच आपका बढ़ा देती है आंखों से आंसू गिरना ये सब आपका आ जाता है फिजियोलॉजिकल में साइटोकाइनिन बैरियर एक इंटरफेर इसमें क्या होता है अगर मान लो कोई आपकी वायरस है या आपकी वायरल सेल है ये इन्फेक्ट हो चुकी है तो बगल वाली वायरल सेल को ये खुद मरने वाली है एक प्रोटीन सिक्रीट कर देती है इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन जो कि बगल वाली सेल को अलर्ट कर देती है ये बड़ा नेक वाला काम होता है ठीक है खुद नहीं बचती दूसरों को बचा लेती है सेकेंड आते हैं सेलूलर सेलुलर में हमारे डब्ल्यू बी सी पी एम एन मैक्रोफाज सेलुलर का मतलब एकदम डायरेक्ट आओ हम तुम्हें काट के फेंक देंगे खा जाएंगे तो ये हो गई सीधे आर्मी बिठा देना तो हमारे पास कुछ कुछ तो होती है बट हमारे पास कभी कभी क्या होती है ये काफी नहीं होती है ये बेसिक डब्ल्यू बी सी आर बी सी ये अपने लिए काफी नहीं होती क्योंकि हमारे पास बहुत ताकतवर दुश्मन आ जाते हैं जैसे कभी कभी तो देखते हो ना कुछ स्पेशल केस आ जाता है किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है किसी ने स्कूल को हाईजैक कर लिया है उस केस में क्या किया जाता है उस केस में किया जाता है क्या बताओ उस केस में स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई जाती है वैसे ही हमारी बॉडी में होता है जब हमारी बॉडी में इननेट नहीं नहीं करता तो बनाई जाती है इसमें दो होती है एक ह्यूमरल होती है एक आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ह्यूमरल हमारी बील लिंफोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड टी याद रखना सी टी बी एच इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार ये, ये सिर्फ एक वर्ड यही क्वेश्चन आता है बीच में ये differentiate आपका कर सकती है तो यह अपने अपने को पहचान के मारने लगती है जो इसके अपने नहीं होते हैं यह ग्राफ रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जैसे अगर किसी की बॉडी में इम्प्लांटेशन हुआ तो टी सेल पहचान लेती कि ये नहीं है ये हमारा टिश्यू नहीं किसी और का किडनी है किसी और का लीवर है और इसकी वजह से आपका क्या होता है इसकी वजह से आपका हो जाता है इश्यू ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट कि पीएमएनएल पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स ठीक है हाँ क्यों क्योंकि इसके न्यूक्लियस आपके बहुत अलग अलग मतलब शेप के होते, है, से, 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 से होते हैं ऐसे होते हैं ठीक है बी लिंफोसाइट्स बी लिंफोसाइट्स को ह्यूमरल बोलते हैं क्यों क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाती है ये क्या बना देती है ये एंटीबॉडी बना देती है ये डायरेक्ट आपकी ब्लड में जाके ह्यूमर ह्यूमर बोले ब्लड ब्लड में जाके लड़ती है ये ठीक है ठीक है सो ये हो गई कहानी ह्यूमरल की ह्यूमरल आपका क्या होता है ब्लड में बी इंफोसाइट्स आपके एंटीबॉडीज को जो है ओपन करता है चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है ये इतनी कहानी हो गई खत्म ठीक है अब आते हैं हमारे पास एंटीबॉडी एंटीबॉडी कौन बनाते हैं बी इंफोसाइट्स याद रखना ठीक है ती कैसे बनती कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी कुछ नहीं है एक तरीके का प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है पॉलीपेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड बोले तो ये बनी किसकी होगी अमाइनो एसिड की बनी होगी बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं एंटीबॉडी होती है इसका फॉर्मुला होता है एच टू एलटू का क्योंकि इसमें दो हैवी चेन होती है दो लाइट चेन होती हैवी चेन क्यों क्योंकि देख रहे हो कैसी है ये ये बड़ी है देखने में आपको लग रही है अभी, और आपकी दो होती है लाइट चेन ओके दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है देखो इसमें आपको टर्मिनल दिख रहे हैं सी टर्मिनल एन टर्मिनल सी बोले कॉन्स्टेंट टर्मिनल एन आपका वेरिएबल होता है इसका शेप बदलता है इसका शेप बदलता है और यहीं पे आपके एंटीजन बाइंड होता है जो अपना दुश्मन होता है यहीं पे उसको बिठा के कूटते हैं ठीक है थीके? जैसे देखियो वो कपड़े पकड़ने वाली क्लिप होती है अलग 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 शेप की होती है डिजाइन टाइप की होती है वैसे ये होती है बाकी खैर एन का एन का मतलब होता है एक्चुअली पता है कि यहाँ पे एनएच ग्रुप होगा क्यों क्योंकि अमाइनो एसिड आपका कुछ ऐसे बनते हैं ये एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा बट जानो क्योंकि पूछा जा सकता है इलेवन का कॉन्सेप्ट क्या आप लिख रहे हैं एक तो अच्छा कभी कभी एक चीज वर्क करती है कभी नहीं वर्क करती है हमारे पास क्या है सी एन एच टू सी एच और एच और आर ये बेसिक एसिड होती है यहां एक माइनो एसिड होगी यहां एक एसिड यहां हाँ। तो जिस टर्मिनल पे सू एच फ्री है उसे सी बोल देते हैं जिधर एन फ्री है उधर एन एच टू फ्री है उसे एन बोल देते हैं

कि आपका पास क्या है दो चीजें होती हैं एक तो आपने जोमैटो से ऑर्डर कर दिया ठीक है जोमैटो से ऑर्डर कर दिया आपने अब आप क्या हुआ आपको बना बनाए खाना मिल गया थैंक यू बना बनाए आपको खाना मिल गया वो हो गया आपके लिए रेडीमेड ठीक है वो हो गई आपके लिए क्या वो हो गया आपके लिए पैसे अब देखो पैसे की जरूरत कब मिलती है इसका अपना ही फायदा है फायदा क्या है इसका फास्ट रिस्पॉन्स है अगर आपको भी दाल दे दी जाए चावल दे दीजिए आपको बनाने बोल दे जाए इट विल टेक टाइम ठीक है अगर टाइम लगेगा तो आपके लिए क्या हो गया जब हमारे पास वक्त नहीं है जब हमें पता है यार भूख बहुत तेज लगी बस कुछ ऑर्डर करो खाओ ठीक है सो ऐसी बॉडी में होता है ऐसे कुछ इंफेक्शन होते हैं जिसमें अगर आपने इंस्टेंटली अगर नहीं लिया तो भगवान को प्यारा हो जाएगा वो इंसान जैसे किसी को सांप काट लिया जैसे किसी को हाँ सांप ही ले लो ठीक है टिटनेस वगैरह हो गया इसमें क्या होता है तुरंत चाहिए होता है तो इस वजह से हम लोग बना के रखते हैं बॉडी में डाल देते हैं वो जाता है पैसे एक्टिव क्या होता है बनवाते हैं इसके पास एब्स होते हैं सोना सोना ठीक है इसमें क्या होता है एंटीजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और एंटीजन आपका क्या करता करता है है एंटीजन आपका एक काम करता है. ओ -ओ. हरी, मेरी पेंसिल तो गायब हो गई भाई पेन देख रहे हो कहा गायब हो गई यार ये तो क्लास के एंड में गिर चुकी है आहा। चलो मेरे को ना बोल बोल के हो गई हालत खराब अब लेकिन अभी मेरे को आएगा मजा <laughs> पूछो कब आएगा मजा जब हम लेंगे टेस्ट टेस्ट आज हम हम के लिए बड़े एक्साइटेड हैं हैं कितने बजे है पर इसीलिए फटाफट फटाफट ये सेशन खत्म कर रहे हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली वो फ्री है तो देखेंगे किस में कितना है दम। ठीक है चलो ओके सो अच्छा इसमें क्या होता है इसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अच्छा ये एक्टिव इम्यूनिटी का अपना अलग ही टेंशन uh, है इसमें, कहते, इसमें वैक्सीन जाती है. <coughs> इसे क्या करते है? बोलो, सीधे, हैं या फिर वो कुछ करने की हालत में नहीं होती है और हमारी बॉडी को लगता है अरे अरे ये क्या हो रहा है ये तो इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है हमारी बॉडी अपने आप को एक्टिव कर लेती है ठीक है ये एक आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इसके साथ में अच्छा नेक्स्ट आपके साथ क्या होता है नेक्स्ट एक बड़ी ही अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि अच्छा ये एक्टिव वाला जिसको नहीं समझ आया हो ना एक्टिव वाला पता है कैसे है जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझो जैसे आपके घर में क्या है कि आपको किसी को बोलना है मम्मी पापा को बोल रहे हो कैमरा लगवा लो कैमरा लगवा लो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ठीक है तो आपने क्या की कि घर में ऐसे ही चोरी करा दी अपने दोस्तों को ही बोल के एक्चुअली चोरी हुई नहीं बट सुबह माँ बाप उठे देखे अरे ये तो यहाँ पे बैग पड़ा है इसका मतलब यहाँ से कोई ले गया कुछ तो हुआ है ना नेक्स्ट डे वो आपकी बात सुन लेंगे वैसे हमारी बॉडी के साथ हम लोग करते हैं हम लोग करते क्या है आपका सिर्फ बॉडी को बेकूफ बनाते हैं बॉडी के अंदर मरा हुआ पैथोजन छोड़ देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी में एंटीजन घुसाया है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को लगता है कि अरे ये तो आपका प्रॉब्लम है तो बॉडी हमारी क्या करती है प्रवोक करती है उसको इम्यूनोलॉजिकल एंट रिस्पॉन्स देने के लिए एंटीबॉडी बना देती है अच्छा एंटीबॉडी की बड़ी खास चीज जो हमारी इसके पास क्या होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है जितनी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है ठीक है जिस पैथोजन के लिए होगी उसी के लिए होगी ऐसा नहीं होगा चिकन पॉक्स के लिए है तो पोलियो हो कि इंसान मर भी जाए ना तो भी उसमें उसकी वाली एंटीबॉडी एंटी हेल्प नहीं करेगी जैसे कि स्पेशल स्क्वाड होता है कि नहीं हम तो सिर्फ बमरी डिफ्यूज करेंगे और हम तो सिर्फ हाईजेक स्पेशलिस्ट हम कुछ और करेंगे नहीं वैसे ये लोग होते हैं एक्वायर्ड स्पेसिफिक होते हैं दूसरा मेमोरी होती है मेमोरी मेमोरी मतलब ये पहचान जाते हैं कि कौन अटैक किया था ठीक है कौन था वो पैथोजन ये अपने पैथोजन को अपने दुश्मन को पहचानते हैं अब देखो इसी वजह से दो तरीके का रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है बहुत ही लाइट होता है बहुत ही हल्का होता है बहुत इंपैक्टफुल नहीं होता सेकंडरी रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा एक्जेसरेट्री होता है बहुत ही हाई होता है ठीक है क्योंकि बॉडी को लगता है अरे ये क्या किया इसको मैंने समझाया था तो दोबारा फिर से आ गया है. क्यों क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एंटीजन बना बनाया रहता है जब पहली बार इन्फेक्ट करता है तो हम उतने इक्विप्ड नहीं है फिर समझने में समझने में कि पैथोजन है कि नहीं है पहचानने में वक्त लगता है सेकेंड टाइम तो थोड़ा पहचान लेता है कूट देता पकड़ के समझे जैसे अभी मान लो अभी कोई आए किसके घर में हाँ हाँ बेटा दे देंगे अरे सुबह से दिया तो है मैंने आज सुबह से कितनी जितनी भी सेशंस ली हुई तुम्हें चैप्टर फाइव का वन पेज नोट्स भेजा देखा तुम लोगों ने देखते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन पेज नोट सब कुछ शेयर्ड है चेक करो सब कौन ठीक है अभी नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आपके साथ क्या होता है यही चीज यहां पर अच्छा अब देखो एलर्जी एलर्जी क्या होती है हमारी बॉडी का होता है मतलब जितनी जरूरत नहीं होती है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्स करना हम्म इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है एक धूल हो सकती है एक डस्ट हो सकती है एक कपड़ा हो सकता है एक किसी किसी जानवर की बॉडी पे पड़े माइट्स हो सकते हैं इट कुड बी एनीथिंग एलर्जेंस बहुत तरीके हो सकते हैं इंसान इंसान पे डिफर करता है स्पेशली जो अर्बन एरियाज के बच्चे होते हैं वो ज्यादा एलर्जी होती है क्योंकि उनके लिए धूल भी काम करती है अब क्या होता है हमारी बॉडी में एक होता है मास्ट सेल मास्ट सेल से करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो और ज्यादा डब्ल्यूबीसी पहुंच सके और ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर ब्रोंकी कंस्ट्रिक्टर क्या लिख रहे हैं वैसोडाइलेटर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर ठीक है हमारे ब्रॉन्क्यूल जो हैं उनको कंस्ट्रक्टर्स को लिख स्पेलिंग उसको कंस्ट्रक्ट कर देती क्यों क्योंकि वो चाहती है अरे जो भी ऊपर से आ रहा है सांस से अगर आ रहा है तो वो ना आए वो बंद हो जाए ठीक है ये याद रखना इसकी दवा क्या होती है इसकी दवा होती है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दे देना एंटीहिस्टामिन सेरोटोनिन एंड स्टेरॉइड्स ठीक है जो भी आपने देखी होगी कौन सी आ, एविल वगैरह होती है उनमें चीजें होती हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी क्या है जब हमारी बॉडी अपने ही ऑर्गेन को रिजेक्ट करने लगे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर जनरली होता है जब पहचान नहीं पाती है कि कौन सी अपनी है कौन सी दूसरी की सेल है इसमें एक देखा जाता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल याद रखना बस ठीक है अपनी बॉडी को इसमें हाथ वगैरह से टेढ़ा हो जाता है ठीक है नेक्स्ट ऑर्गन ऑर्गन भी एक तरीके का हमारी बॉडी में हेल्प करता है दो तरीके की होती है एक होती है प्राइमरी होती है सेकेंडरी प्राइमरी होती है जहां पे हमारी जो सेल्स होती है अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था सेलुलर डिफेंस है ना तो जो आपकी सेल्स हैं बी सेल टी सेल जिनका भी हमने नाम लिया वो आपकी जहां पे बनती और मैच्योर होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट लिंफोइड ऑर्गन वो आप सिर्फ दो होती है एक होती बोन मैरो होती थाइमस बोन मैरो में बी सेल टी सेल का फॉर्मेशन होता है और बी सेल का मैचुरेशन थाइमस में टी सेल का मैचुरेशन होता है ठीक है सेकेंडरी ऑर्गन ऐसी है जहां पे आपकी जो सेल्स हैं वहां पे एक्चुअल इंट्रक्शन करती है जहां पे परिशम डिशम डिशम होता है ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी लिंफर्ड से समझना बहुत आसान है जैसे पुलिस या फिर आर्मी की ट्रेनिंग होती है जहां पे ट्रेनिंग दिया जाती है जहां पे उन्हें उनका एडमिशन लिया जाता है कि हाँ अभी नाउ यू आर क्वालिफाइड उसको समझ लो प्राइमरी हो गया बाद में उनको क्या हो जाता है अलग अलग जगह पे लगा दिया जाता है हाँ, तुम इस चेक पॉइंट पे रहो तुम बॉर्डर पे रहोगे तुम यहाँ पे रहोगे तुम वहां पर रहोगे वैसे ही हमारी सेकेंडरी ऑर्गन होती है जैसे लिफ्फ नोट्स हो गए पेयर पैचेस हो गए टॉन्सिल्स हो गए माल्ट हो गए म्यूकोसल म्यूकोसलोइ टिश्यू उनकी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे लिम्फ हो गए है ना उनको पूरी बॉडी में स्प्रेड कर दिया जाता है ये देखो, ये ये देखो पे है देख रहे हो 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 गए नोट्स हो गए हो गए लिम्फ ब्लड पूरी बॉडी के जितनी भी आपकी है लाइनिंग यूजनाइटल ट्रेक स्पीड ट्रैक हर जगह माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू विच इज फिफ्टी अच्छा रहता है क्योंकि जितनी इतनी ओपनिंग अगर वहां पे ना हो होना फिर बहुत इंफेक्शन हो जाए हमें अब आते हैं एचआईवी एचआईवी एच आईवी क्या एक तरीके की आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है बहुत ही भयानक है इस वजह से क्योंकि ये ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल एक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है ब्लड वेसल से ट्रांसमिट हो सकती है मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है ये तीन तरीके हैं बाकी ना छूने से ना साथ में खाने से ना सेम कपड़ा पहनने से नहीं होती है इसमें हटा दो इसका टेस्ट कई हो सकता है एलिसा हो सकता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो सकता है पीसीआर हो सकता है सिर्फ आपको एलिसा याद रखना है इसकी ड्रग्स बन रही है बट कुछ खास प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं है इनको कंप्लीटली ट्रीट नहीं किया जाता है ये आपकी दो सेल को टारगेट करती हैं एक है आपका मेन मैक्रोफाजस एक है हमारी हेल्पर टी सेल इनका दो टारगेट होता है ठीक है मैक्रोफाजस को सिर्फ फैक्ट्री बनाती है उनमें सिर्फ अपना काम निकालती है बट उनको मारती नहीं है टी हेल्पर सेल को तो बर्बाद कर देती है और जैसे ही टी हेल्पर सेल आपका डाउन होता है आपकी क्या होती है बी सेल एंटीबॉडी नहीं बना पाती जब बी सेल एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है तो आपका पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक साथ डाउन हो जाता है ठीक है अब देखो अब यहां पे हमारे पास आ जाता है अच्छा आपको पता है एक बात बताएं तुम लोग से सच सच इस सेशन में हम तुम लोग को बोल रहे हैं ना शेयर करो शेयर करो वैसे हम एक बार बोलते रहते हैं फिर बोलते हैं क्योंकि कल तुम लोग का ना सेशन आठ बजे खत्म हो गया था तो मेरे को था कि आप लोग रात में मतलब ये टाइम है अच्छा टाइमिंग है दो घंटे मेरे साथ रिविजन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा तो मैंने ना फिर टीम को बोल के स्टूडियो ओपन करवाया दो घंटे एक्स्ट्रा तीन घंटे एक्स्ट्रा खैर सात बजे तक होता है कल ही मैंने एक घंटे पंद्रह मिनट ले लिया ठीक है तो लिटरली जस्ट बिकॉज ऑफ मी सेंटर ओपन है जिनकी जिनको सात बजे या छः बजे घर चले जाना था वो बेचारे दस बजे तक बैठे हैं क्योंकि ऑफकॉर्स सिर्फ मेरे उस पर नहीं छोड़ सकते तो और अब क्या है कल से स्ट्रेंथ बड़ी डाउन है तो इसलिए अब ना मुझे लग रहा है बहुत तगड़ा वाला बुरा क्योंकि मैंने कल की भी सेशंस ऐसे दस बजे तक कर दी हैं प्लान क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है तुम लोग अच्छे से यूटिलाइज करोगे इस वक्त को लेकिन आज आप लोग अब शेयर ही नहीं करना चाहते हो कहीं सेशन में अब क्या करें चलो कोई नहीं और जबकि मेरी खुद भी मैं आज मैंने आज ये कौन सा सेशन है आज ये फर्स्ट वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन चैप्टर है ये आज, आज आपका चलिए स्टेजेस स्टेजेस में हमारे दो आते हैं एक एक्यूट आता है एक असिमटॉटिक आता है एक फ्लोरब्रोन ठीक है देखो असिमटॉटिक बेसिकली सिम्टम नहीं होता एंटर करता है ये आपको नहीं करना ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ये समझ लो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे आपको क्या हुआ है यहां पे आपका क्या हुआ है देखो वायरस जो होता है रेट्रो वायरस वही इन्फेक्ट करता है एड्स में इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है और ये रेट्रो वायरस क्यों होता है क्योंकि आरएनएस डीएनए बनाने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ये एनिमल सेल हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है आरएनए से फिर डीएनए बना लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए फिर हमारी बॉडी के न्यूक्लियस में घुसा देता है हमारा न्यूक्लियस से पहचान ही नहीं पाता फिर हमारी ही मशीनरी को यूज करके मैक्रोफाजिस की अपनी और सारे अपने वायरस बना लेते हैं अपने भाई बंधु को बना लेता है फिर मैक्रोफाइज के बाद जाके हेल्पर टी सेल को आपका उस पर अटैक करके और फिर उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है ठीक है तो ये होती है हमारे साथ परेशानी अब आ जाते हैं कैंसर कैंसर में आ जाती है दो चीजें ये वाली नोट्स कहां मिलेगी टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे मिलेगी ये वाली नोट्स चाहिए हम अभी भेज दे रहे हैं नोट्स लेके बैठना है ठीक है आई एम सेंडिंग यू नोट्स अगेन नोट्स देखो हमने सुबह की चैप्टर चैप्टर फाइव वाली नोट्स आप लोगों ने की चैप्टर फाइव की नोट्स पढ़ी हम बोल रहे थे लेकिन यहां पे ब्लर आ रहा था तो इसके थ्रू हम करा नहीं पाए बट क्या आप लोगों ने किया अच्छा एक्चुअली होता क्या है ना जिससे हमें देना होता है फिर इधर उधर चार सेटअप में है नहीं जा रहा है ठीक है नहीं अभी अभी पढ़ते जाओ ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन बट तुरंत हो नहीं रहे कैंसर आपकी क्या है कैंसर हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल जब आपकी कॉन्ट्रेक्ट इनिमेशन ना सो रहे है कॉन्ट्रेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रेक्ट इनिमेशन होती है ऐसी प्रॉपर्टी जब एक सेल का ग्रोथ तुरंत रुक जाता है जैसे वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं उसको समझ आ जाता है कि अपना एरिया नहीं है अब हमें नहीं ग्रोथ करना चाहिए लेकिन जब कैंसर सेल होती है वो ये सारे वसूल भूल जाती है कांटेक्ट इनिमिशन भूल जाती है मेटास्टेसिस शो करने लगती है व्हाट इज मेटास्टेसिस कि मान लो यहां पे है ये ट्यूमर सेल्स है यहां से टूट के ब्लड के थ्रू भाग के जहां पे जाएंगी वहां पे आपका ट्यूमर क्रिएट कर दें ठीक है उन्हें बोलते हैं मेटेस्टैसिस ठीक है ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज बहुत इं, इंपॉर्टेंट है हमारे पास दो तरीके के ट्यूमर होते हैं एक होता है बिनाइन एक होता है मेलिग्नेट बेनाइन आपका एक जगह टिका रहता है मेलिग्नेट आपका शेड ऑफ हो, के, हो हो के अलग अलग जगह पे जाके बनाता रहता है अब देखो ये भी आपको नहीं करना है ठीक है ये बेसिकली स्किन कैंसर और आपका ब्लड कैंसर ये सारे का टाइप है बट आपके किस वजह से हो सकता है कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन कार्सिनोजन क्या है कैंसर कॉजिंग एजेंट ठीक है फिजिकल हो सकते हैं केमिकल हो सकते हैं बायोलॉजिकल हो सकते हैं फिजिकल में हम आपकी रेज वगैरह आ जाएंगे यूवी रेज आ जाएंगे एक्सरे आ जाएंगे ठीक है केमिकल्स में आपके आ जाएंगे क्या टोबैको वगैरह आ जाएंगे बायोलॉजिकल में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं डायग्नोसिस करने के आपके ये तरीके हैं एक तो बायोप्सी किया जा सकता है दूसरा सिटी स्कैन एमआरआई या फिर आपका किया जा सकता है अब देखो सर्जरी में हमारे पास चार ऑप्शन है एक ट्रीटमेंट में एक तो सर्जरी करके काट के निकाल दो बट सर्जरी वाले में नहीं करेगी कहां कहां काट के निकालोगे केमिकल्स दो रेडियोथेरेपी दो या फिर इम्यूनोथेरेपी दो इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं आपकी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बोलते हैं कि लड़ो लड़ो भाई तुम्हारे दुश्मन है रेडियोथेरेपी में रेडिएशन देते हैं कीमोथेरेपी में केमिकल्स देते हैं जनरली इन तीनों को कंबाइन करके देते हैं एक के बाद एक ये आपको बस मेन पॉइंट याद रखना है ये देखो ट्यूमर जो सिर्फ एक जगह पे रहता है ट्यूमर जो आपका मेनली ट्यूमर बनाता है जिसमें शो हो जो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाए ठीक है ये हमारे पास कुछ ड्रग्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करना है लास्ट पे ये नोट्स बहुत अच्छी कोई के लिए, आपको पता है इसका यहाँ से कर लेना जिसको भी करना होगा रिजन के लिए एक आ जाता है अपने पास ओपियइड एक आ जाता है कैनबोनॉइड एक आ जाता है कोकैलक्यूलाइड ओपियोइड में हमारे पास आ जाती है ओपीएम पॉपी से निकला हुआ पेपर वर्सोमनीको हम लोग स्नैक या हिरोइन बोलते हैं जो कि आपका क्या होता है व्हाइट कलर का होता है ऑर्डरलेस होता है है ना क्रिस्टलाइन होता है मॉर्पस होता है कैसा होता है कमेंट सेशन बताओ बड़ा पट्टे अभी देखो इसका रिसेप्टर पूछा जाता है ये आपके सेंट्रल लवर सिस्टम गैस्ट्रोस्टल ट्रैक ये दो जगह पे जाके अटैच होता है ओके ये क्या करता है डिप्रेशन का काम करता है बॉडी के फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर दिया जाता है ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं बहुत बार इसको सर्जरी वगैरह के बाद देते हैं नेक्स्ट आ जाता है कैनोनाइट जो कि हमारा कैनोबिस सोसाइटी में से निकलता है इससे मैरुआना हशीश चरस गांजा बनता है डिपेंड करता है इसका कौन सा पार्ट यूज करें किस कंपोजिशन में रेजिन हो गई लीफ हो गई ये सारे फ्लावर के टॉप हो गए इनको हम लोग यूज कर लेते हैं यहां पे इसका ये भी ब्रेन्स के साथ छिड़का नहीं करता है इस वजह से आपको हेल्यूसु वाली प्रॉपर्टी आती है अगर ज्यादा ले लोगे तो कोकल्कोलाइड या फिर कोकिन जिसको हम लोग बोलते हैं कोका जो कि, कि किसी जमाने में कोका कोलम भी डाला जाता था अभी ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता है और यूफोरबिया एक आपको लगता है रिवाज सब कुछ अच्छा है और आपके अंदर एक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इसलिए बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं इसको यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर ध्यान देना ये मॉर्फिन है ओपीएम पॉपी है देखने को आ जाएगा पहचानने को आ जाएगा तो आप गलत कर दोगे इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ के जाना ठीक है ये है बेसिकली अल्कोहल और एडोलसेंस अब्यूज आपको पता है कि अल्कोहल वगैरह भाई ट्राई नहीं करो अगर किसी बात का स्ट्रेस है तो अल्कोहल स्केप मत बनाओ अपने फ्रेंड से अपने मित्रों से इन सब से बात चीत करो ठीक है और अगर फिर भी अल्कोहल वगैरह लग जा रहे हैं तो भी उनको स्कूल में टीचर्स को फ्रेंड्स करो एक प्रॉपर जो आपका है पर्सन उससे हेल्प लो अच्छा ये ना मेरी बैच है अपकमिंग ईयर के लिए ठीक है निकिता लाइव कोड लगा लेना ठीक है आपके जो जूनियर्स हैं आपको लग रहा है उनको रिकमेंड कर देना क्योंकि पहले ऐसा था नहीं अभी सिर्फ बायोलॉजी भी कोई बच्चा ले सकता है वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स रुपीज पर मंथ है ठीक है फिफ्टीन मार्च से स्टार्ट होनी थी बट हमने इसको डिले कर दिया हम स्टार्टिंग इट फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड मार्च ठीक है क्योंकि तुम लोग के बोर्ड पे हम फोकस कर सके फिर उन लोग का जब स्टार्ट करें फ्रेशली स्टार्ट करें ठीक है ये हमारी बैच है पूरी है सिलेबस हम इसमें कंप्लीट करा देंगे अक्टूबर तक अक्टूबर तक सिलेबस पूरा फिनिश करा देंगे विद नोट्स बहुत सारी स्टोरीज के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ है ना एक एक जो बच्चा मेरे साथ डिटेल किए हैं उनको पता है कि ये ड्रग्स वगैरह हमने किस तरीके से कराया है कितने मजेदार तरीके से और स्टोरीज ड्रग्स की कौन सी कहां असर करती हैं सारी चीजें तो आपका क्या है कि फुल ईयर है अक्टूबर के एंड में हम करा देंगे उसके बाद अपना रिवीजन वन शॉट ये सारी चीजें चलेगा अक्टूबर एंड में दैट्स माय प्रॉमिस स्टार्टिंग में हो जाएगा बट बहुत खींचेगा अक्टूबर एंड क्योंकि मैंने पांच दिन शिफ्ट कर दिया यहाँ पे आपको पीवाई क्यूज मिल जाएगा जो भी बच्चे हैं सैंपल पर मिलेगा सब कुछ मिलेगा बेसिकली जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसको फिर कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस चीज को अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्योंकि बेटा प्राइजिंग इज वेरी नॉर्मल वो भी हमने इसीलिए कराया क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मैम प्राइजिंग हाई है और हमें पूरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है हमें बायो चाहिए एंड ऑल सो दैट इज वाई इट इज बिंग डन और आपका ये आपका गॉड इट्स रियली वेरी अमेजिंग और आपको पता सेटीन हंड्रेड से भी कम पड़ रहा है इस वक्त फोर्टीन हंड्रेड पड़ रहा है जो बच्चा अभी ले ले स्पेशल प्राइज है जो भी आपके जूनियर्स है बता देना कि हाँ हम सीनियर्स हैं हम दे देके जा रहे हैं मैम ने बोला है आपका भाई बहनों बोलने रोल करने को लिंक यहीं पे दी है पीसीबी बैच करके ठीक है और कोई इश्यू आए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना uh, ड्रॉप कर देना uh, कि हाँ सब्सक्रिप्शन में ओके okay. और आप लोग को भी नीट वगैरह सब्सक्रिप्शन लेना हो ना से ले सकते हो चलिए अब आते हैं माइक्रोब्स कितना कितना मिनट के अंदर हमने चैप्टर खत्म किया नीट में भी एक बैच शुरू करें वाओ घंटे के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया नोट्स जो भी हैं इस इस चैनल पे मिल जाके जा चेक करो। और यहां पे इस वक्त सत्रह से अठारह बच्चे हैं जुड़े हुए हैं नेक्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमारी कहानी क्या शुरू होती है कि देखो माइक्रोब्स हर जगह हैं, हर जगह आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है जहां भी होते हैं अब देखिए होगा क्या एक्सट्रीम कंडीशन में रह जाते हैं जहां पे कोई रहने को सोच भी नहीं सकता वहां पे भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे ठीक है अभी माइक्रोब्स हैं क्या बेसिकली जिनको हम नेकेडज से देखें जिनको हम नॉर्मली ना देख पाए हमारी बॉडी में हो या फिर ऑमनी प्रेजेंट हर जगह होंगे सॉइल में हो एसिडिक इन्वामेंट में हो एसिडिक इन्वायमेंट को हम बोलते हैं एसिडोफिल्स ठीक है हर जगह हर जगह पानी में हो हर जगह वो आपके

तो सबसे पहले हमारे घर में क्या क्या काम आते हैं सबसे पहले माइक्रोब्स आके हमारी दही बनाते हैं दही कैसे बनाते हैं जो मिल्क होता है मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और दही के अंदर आपका विटामिन बी ट्वेल्व आ, आ जाता है और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है और हमारी आ, ब्लड लेवल को एनीमिया को कंट्रोल करता है ठीक है दूसरा दही सॉरी इडली वगैरह बनाने में काम आता है सेक्रोमाइसिस तरीके का ईस्ट है और ईस्ट के अंदर क्या होता है चाहे ईस्ट हो या ब्रेड हो या इडली हो डोसा हो जिसके अंदर भी पफीनेस आता है वो सीओ टू की रिलीज की वजह से आता है ठीक है क्योंकि आपका ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन बोले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो कि आपके लोअर माइक्रोब्स करते हैं वो सीओ टू एल्कोहल दोनों निकालते हैं तो जब हमें एल्कोहल बनाना होता है तो भी हम फर्मेंटेशन करा लेते हैं हमें जब पफीनिस चाहिए होती तो भी हम करा लेते हैं सेकेंड चीज बनाने के लिए याद रखना प्रोपाइनी शर्माइनी बैक्टीरियम ये स्विश चीज बनाता है रॉकफॉर्ट चीज हमारी रॉकफॉर्टी बनाता है ये नहीं याद करोगे तो भी चलेगा बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीआरटी याद रखना शर्मा जी थे प्रोपाइनी शर्मा शर्मा के स्विटरलैंड गए थे स्विस चीज ठीक है अब हम आपको बनाएंगे दारू और आ जाओ बैठ के पीते हैं है ना क्योंकि इंसान तो दस बजे नहीं पड़ते क्यों अब देखिए यहां पे हम आ गए फर्मेंटर्स पे अच्छा दारू की थोड़ी सी और कहानी हो जाए दो तरीके के होते हैं नहीं नहीं आ इसे में। आ गया जाएगा ऐसे बड़े 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 था था हैं पे पे जिन पे लोग अपना काम बनाते हैं जैसे कि एल्कोहल बनती है एल्कोहलिक दो तरीके की के आपकी क्या होती है वाइन और वियर होती है ठीक है वाइन और वियर होती है और विद डिस्टिलेशन हमारी होती है विस्की होती है रम होती है ब्रांडी होती है ये हमारी तीन चीजें होती हैं अब देखिए भूत है पे ठीक है विद डिस्टिलेशन का मतलब है कि इसमें क्या है जैसी विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब है इसमें एडिशनल नहीं ऐड किया जाता है एल्कोहलिक कंसनट्रेशन आपका डाउन होता है एल्कोहलिक कंसनट्रेशन आपका डाउन होता है यहां पे क्या होता है एल्कोहलिक कंसंट्रेशन हाई होता है यहाँ पे डाउन क्यों यहां पे हाई क्यों क्योंकि नॉर्मली माइक्रोब्स 12% से ज्यादा नहीं बना पाते उसके बाद वो तो खुद मर जाते हैं तो नेचुरली इतना ही बनता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं दो जगह का एल्कोहल उठा के एड करके और हाई कंसेंट्रेशन बना लेते हैं बाकी वेयर वगैरह वाइन वगैरह में नशा कम होता है दो परसेंट चार परसेंट छह परसेंट ऐसे ही आपके होते हैं ठीक है हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे हमारे पास आपको पता है ब्रेड से हम लोग घाव ठीक किया करते थे किसी जमाने में क्यों क्योंकि ब्रेड पे होती है फंजाई उगती है फंजाई आपकी बनाती है एंटीबॉडी एंटीबॉडी बनाती है और आपकी क्या करती है ओके सो कोई नहीं एक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब किस पे वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया उस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन धुलना भूल गए तो उन्होंने देखा कि अरे कुछ फंजाई ग्रो हो गई है पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो हो गई है जिसकी वजह से जहां पर वो ग्रो हुई थी उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं ग्रो पाई थी तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है जो ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं ग्रो पा रही जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है तो उन्होंने कहा इसका नाम इसका मतलब एंटीबायोटिक्स एंटी एंटी मतलब अगेंस्ट बायोटिक मतलब लाइफ लाइफ के अगेंस्ट है किसकी लाइफ की हम बात कर रहे हैं पैथोजन की लाइफ की बात कर रहे हैं फिर बाद में उसी पे अच्छे से वर्क किया अर्श चेन और आ, एल्बर्ट फ्लोरी ने उन्हें फुल पोटेंशियल दिया फुल पोटेंशियल दिया इसका ठीक है और फिर तीनों को नोबेल प्राइज मिला ठीक है अब ये यहां पे दिया हुआ है कि जो भी किसी की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे है ना या फिर उसे मार दे माइक्रोब्स को वही एंटीबायोटिक हो जाता है वो एक बैक्टीरिया हो सकती है बैक्टीरिया से निकला हुआ केमिकल हो सकता है या फिर आपका पंजाई हो सकती है पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि पेनीसिलिन नॉट्रेटम से एक्सट्रैक्ट हुई थी किसने की थी अलेक्जेंडर फ्लोमिंग ने की थी इस चीज को याद रखना एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन तरीके के आपके बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं सिट्रिक एसिड दिया हुआ एसिटिक एसिड दिया हुआ लैक्टिक एसिड दिया हुआ ब्यूटारिक एसिड दिया हुआ सिट्रिक एसिड अपने पास क्या एस्पर्जिलस नाइगर है ए ये देखो एस एप से याद रखना की हाँ ज, आ, ये आपका सिट्रिक एसिड है एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी नाम से एसिटी है तो एसिड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस नाम से ही लैक्टिक एसिड दिख रहा है ब्यूटायरिक एसिड नाम में ही ब्यूटैरिकम है ब्यूटायरिक एसिड हो गया ठीक है याद रखना ये एक फंजाई है है ना बाकी सब बैक्टीरिया है तो गलत नहीं करना ये क्वेश्चन आता है दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं करके जाना है ये टेबल जरूर लर्न करके जाना है क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा थोड़ा सा एफर्ट बहुत सारा फायदा ठीक है अब हम आते हैं एंजाइम्स पे एंजाइम्स में हमारे पास तीन आ जाते हैं प्रोटीएस पेक्टिनेस लाइपेस ब्यूटैरिक एसिड पेक्टिनेज आपके क्या करते हैं ये आपके फ्रूट बॉसल को क्लीन करते हैं जैसे आपने देखा है स्लाइस माजा जो आती है जो ऐसे सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनमें होता क्या है उनमें होता क्या है उनमें ये होता है कि उनकी बॉटल्स मतलब अंदर का जो कंटेंट होता है उसमें फाइबर्स नहीं होते क्योंकि ये डाइजेस्ट कर देते हैं लाइपेस डिटर्जेंट में यूज होते हैं क्यों क्योंकि ये फैट डाइजेस्टिंग होते हैं तो आपका खाना पीना जो भी अगर कपड़े पे गिराए रहते हो इनकी वजह साफ हो जाता है ब्यूटैरिक एसिड क्लॉस बस्टर की तरीके से वर्क करती है जो कि आपके स्टेप्टोकॉकस ये मत करो ये मैंने चेंज किया था फिर से बार बार कैसे गलत फाइल आ जा रही है इसको हम हर बार बदलते हैं ये पढ़ो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए ये हमारा ट्राइकोडर्माफाइटॉन एक पॉलिस्पर्म में एक माइक्रोब है वो बनाता है और ये आपके ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में यूज होता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ठीक है मोनोस्कस परपेरियस जो कि एक ईस्ट है ये स्टैनिन रिलीज करती है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे रखती है क्यों क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो एंजाइम बनता है उसको भी बनने नहीं देती है ये ऑलरेडी हो चुका है ठीक है चलो अब आ जाते हैं सीविस ट्रीटमेंट सीविस ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है सिर्फ सीवेज की सफाई वही आपका सीवेज ट्रीटमेंट है रुको हम एक अच्छी सी स्लाइड लाए हैं उसपे सब कुछ कंबाइंड है एक गलत स्लाइड आ गई क्या? ये देखो जितनी चीजें यहाँ पे ओ, नो नहीं मिल गई चलो ये ढूंढ रहे थे देखो हमारे देखो जितनी भी चीजें वहां पे लिखी है मैंने सब इसमें कंपाइल कर दिया है सीवियस ट्रीटमेंट अपने पास क्या है सीवियस ट्रीटमेंट अपने पास दो तरीके का है नहीं फेल नहीं हो गए फेल नहीं हो गए फेल बिल्कुल भी नहीं हो गए टेंशन रखो लो ठीक है देखो यहाँ पे आपका क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में दो तरीके का स्टेप होता है सीवेज क्या है आपका घर का जो भी गंदा पानी है वो इंडस्ट्रीज जो है उनको डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल अगर आप भेज दोगे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे माइक्रोब्स ग्रो जाएंगे फिर पानी के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे मर जाएंगे ठीक है तो इस वजह से सीवेज को पहले ट्रीट करके साफ करके ठीक किया जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं तो उसमें दो स्टेप होता है एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट दूसरा होता है अपना

उसमें क्या करते हैं जो यहाँ का मान लो फिर ऊपर का निकल गया नीचे का निकल गया जो पानी बचा उसको लाके इसमें डाल दिए अब इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट का लेवल बहुत हाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें उठा के एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया को अगर ऑर्गेनिक मैटर दे दिया जाए और साथ में एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई अगर इनको ऑर्गेनिक मैटर दे दिया जाए और प्लस एयर दे दिया जाए ये क्या करती हैं पूरे ऑर्गेनिक और मैटर को खा लेती हैं तो हमने वही किया एरोबिक बैक्टीरिया और माइक्रोब को उठा के डाल दिया और ये पूरा ही आपका ऑर्गेनिक कंटेंट को खा गई ठीक है आपका कहां पर किया इन्होंने ये आपकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो सॉरी ये आपके जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसकी वैल्यू कम कर दी लेकिन होता क्या है खाने के चक्कर में इनको ऑर्गेनिक मैटर हम लोग दे देते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया और फंजाई के साथ ग्रो हो जाते हैं जिसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं

अब इसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं क्यों क्योंकि ये इसको एक्टिवेट कर रहा है इस टैंक को ठीक है लेकिन जितना बचा हुआ है वो सारा नहीं डाइजेस्ट हो जाता है तो एक हम अलग से एनोरोबिक टैंक में डालते हैं एनोरोबिक टैंक में डाल के हम इस पूरे फ्लॉक को डाइजेस्ट करा लेते हैं क्योंकि एनोरोबिक कंडीशन होती है तो वो आपका मर जाता है सारा का सारा और होता क्या है दो चीजें बन जाती हैं इससे एक बायोगैस बन जाता है और दूसरा मैन्योअर बन जाता है तो पानी ट्रीट करने के चक्कर में हम लोग तीन चीजें बना सकते हैं ठीक है ड्रिंकिंग वाटर होगा तो हमें टर्शरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यूवी या फिर क्लोरिन से और नहीं तो सेकेंडरी से काम हो जाएगा यहां पे क्या होता है अच्छा जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उतना ज्यादा अपना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना ज्यादा फ्लॉक ग्रो करता है तो जब तक अगर ऑक्सीजन लग रहा है मतलब समझ लो उतना ऑर्गेनिक मैटर अभी है उतना बैक्टीरिया उसे खा रही है तो ऑक्सीजन का डिमांड जितना ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से देखते हैं ना तो हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कितना लग रहा है कितना नहीं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल डिमांड एक तरीके का पॉल्यूशन का मेजरमेंट होता है ठीक है जहां पे ज्यादा वहां पे मतलब सही से क्लीन नहीं हुआ है ठीक है ये फ्लो चार्ट है बहुत अच्छे थे इसको चाहो तो रिकैप कर लो अब हम आ जाते हैं बायोगैस पे बायोगैस में क्या होता है कुछ खास नहीं होता आपकी जो गाय होती है उसकी गट में मैथानोजेनिक बैक्टीरिया पाई जाती है ठीक है जो की सेल्युलोज पे वर्क करती है और सेलुलोस पे आपका फीड करके वो आपकी बनाती है क्या बनाती है सेलुलोज पे फीड करके क्या बनाती हैं जिन मिथेन मिथेन गैस निकालती हैं ठीक है थीके? अब देखो जो बायोगैस प्लांट हम लोग बनाते हैं दस से पंद्रह फिट का एक खड्डा होता है कंक्रीट का जमीन के नीचे घुसा देते हैं आ, मतलब लगाते हैं और उसके बाद एक तरफ यहाँ पे डंग और वाटर डालते हैं और यहाँ पे फिर इसको पूरा एक टैंक से बंद कर देते हैं जो कि ऊपर उठ सकता है ये डाइजेस्टर होता है यहाँ पे स्लज होता है तो होता क्या है यहीं पे छोड़ दिए हैं इसी में हम लोग सब्जी या फल वगैरह भी चाहें तो डाल दें इस पे मेथनोजेनिक बैक्टीरिया ही है उस पर फीड करती जाएगी फीड कर करके यहाँ से आपकी बायोगैस निकालती जाएगी तो जैसे जैसे गैस बनता जाएगा प्रेशर से ऊपर होता जाएगा जितना ऊपर हो गया मतलब बायोगैस अपनी बन गई तो ये आपकी बायोगैस का कंपोजिशन जिसमें सबसे ज्यादा होता है मिथेन ठीक है एच भी इसमें पाई जाती है और बाकी जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल बचा वो हमारा बन जाता है मैन्योर तो बायोगैस से भी हम लोग बायोगैस बना सकते हैं मेन्योर बना सकते हैं बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है हाईली इनफ्लोमेलो बहुत दूर तक हम लोग इसे

उठा के उसके ऊपर डाल देते हैं वही होता है बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है अब देखो यहां पे क्या होता है कि हम लोग उसका नेचुरल इनिमी ढूंढते हैं जैसे कि लेडी बर्ड और बीटल का एफिड और ड्रैगन फ्लाई पे वर्क करती है सॉरी और उसके बाद हमारे क्या होते हैं इन्हीं को हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं इनको हम अपना इंप्लॉय बना लेते हैं ठीक है हम कहते हैं तुम हमारे लिए मारोगे तो ये जो जो पॉइंट अंडरलाइन है इसको आपको लर्न करना है बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया फंजाई हो गया प्रोटोजोन हो गए

रूट को अच्छे से ओवरलैप कर लेती है तो रूट पे कोई भी पैथोजन नहीं आ पाता है ठीक है अब ये भी याद रखो वैकिलो वाईरस, वैकिलो वाईरस आपका क्या है अटैक करता है इंसेक्ट्स और आर्थोपोड पे जिसकी वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे ठीक है न्यूक्लियो का एक जीनस होता है वैक्यूलो वायरस ठीक है सॉरी आ... उल्टा बोल दिया हमने बैक्यूल वायरस को किस जीनस का होता है वो होता है आपका न्यूक्लोपोलीहाइड्रो वायरस ये आपका क्या है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है तो सबको नहीं किल करता और हमें यही चाहिए होता है कि भाई जो अपना दुश्मन है उसी को मारो पूरा बम ना उड़ाओ तो दैट इज वाई इट इज बेस्ट ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा सकता है कि क्यों ये जरूरी होता है किस जीनस का होता है क्योंकि ये किसी और को निगेटिव इंपैक्ट नहीं करता जो दुश्मन होता है सिर्फ उसी टारगेट करता है और हमें ऐसे ही चाहिए ठीक है ये पूरी स्लाइड लर्न कर लेना

तो इस तरीके से अपना है और यहां पे देखो हमने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी आपकी एयर बॉन्ड है कौन सी सॉरी बॉन्ड कौन सी आपकी फ्री लिविंग है कौन सी आपकी माइक्रोइल एसोसिएशन में है ये आपको देखना पड़ेगा ठीक है ठीक है अच्छा सीवेज 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 ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट की इसी चैनल पे ना सर्च कर लो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वन शॉट सिकंदर बैच ठीक है यही हमने एक डेढ़ घंटे में किया है जो बच्चा है पहली बार कभी नहीं पढ़ा है वो जाके उसे देख लो ठीक है फास्ट हो गया खत्म चलो सो so, बस हैव फन जो स्पेसिफिक इश्यू हो अभी देखो अपना टेस्ट है टेस्ट है कितने बजे नाइन थर्टी पीएम पे यार तो बहुत लेट हो गया सेशन तो अपना खत्म हो गया क्या यहां पे कुछ क्वेश्चंस करा दें चैप्टर कुछ जल्दी होने गया ना <laughs> बताओ हमारा चैप्टर जल्दी हो गया जो टॉपिक बोलो उसे हम फिर से पढ़ा दें थैंक यू मुस्कान यप। हाँ सारे नोट्स भेज दे रहे कंपाइल करके डोंट वरी कौन सा वाला पोर्शन है जो हम टाइम कर आई कैन यूटिलाइज द टाइम क्योंकि क्वेश्चन करवा दें क्वेश्चन 9:30 पीएम पे टेस्ट है 9:30 पीएम पे अभी आज स्पेशल क्लास पे टेस्ट है ओके okay? बहुत लेट से लॉन्च हुआ है सीवी ट्रीटमेंट फिर से पढ़ा दे चलो ठीक है सीवी ट्रीटमेंट पढ़ा देते हैं रुको देखते हैं ठीक है सीवी ट्रीटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देख लो आ, क्योंकि हम लोग जितना हमने तुम लोग बोलते फास्ट करो फास्ट करो हाँ हाँ जमने कहा हो गया ठीक है पीछे से हम हर एक स्लाइड से पढ़ते जाते हैं देखिए इसमें आपको ना एक चीज याद रखना है कि जो अपनी साइनो बैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एलगी उसमें आपकी ऑटोट्रॉपिक होती है फोटोसिंथेटिक होती है साइनो बैक्टेरिया की खास बात होती है ठीक है फोटोसिंथेटिक और आपकी क्या है वो है आपकी ऑटोट्रॉपिकोर्स ऑटोट्रॉपिक अगर फोटोसिंथेटिक है तो ठीक है इसका ना बहुत सही सिस्टम है इसमें तीन आते आता है एक आता है ना ना, एक, आता, एक, आता, एक आते है आपके नॉस्टेक जो स्पेशली आपके पैडी फील्ड पे ना बहुत अच्छे से वर्क करती है करती क्या है देखो ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अच्छे से इंक्रीज कर देती है सॉइल की न्यूट्रेंट वैल्यू बढ़ती है अपने आप बढ़ जाता है जब सॉइल में न्यूट्रेंट इन होगा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी ठीक है तो यहां से ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आता है कौन सा ऑटोटॉपिक है कौन सा नहीं है ठीक है ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं से आपका ग्लोमस ग्लोमस आपका क्या एक तरीके का फंजाई है वो क्या करता है आपका जाता है इसके पास हायर प्लांट के पास बोलता है हम और तुम रिश्ते में बन जाते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम हमारी मदद करना रिलेशन में अब क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे आपके जो रूट क्या बात कर रहे हैं देख रहे माइंड ऑफ सिचुएशन पे पहुंच गया है ये आपकी उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देने लगती है हाईयर प्लांट के लिए प्लांट उनको क्या करते देखो फंजाई फोटोसिंथेटिक होती नहीं है फंजाई कभी भी अगर रिलेशन में आ रही है तो फंजाई खुद तो फोटोसिंथेटिक है नहीं तो उसका मतलब उससे चाहिए खाना पीना खजाना ठीक है यही एक आपकी कहानी है यहाँ पे और कुछ है नहीं और कोई मतलब नहीं है एक बार एक बार सिर्फ नो, सिर्फ नोट्स पढ़ना हो जाएगा पता है मेरे टाइम वेस्ट करने को मतलब नहीं है एक काम करते हैं ठीक है क्योंकि आज ना सेशन तो अपना हो गया है खत्म तुम लोगों ने एनरोल भी कर दिया है क्या बात है सेवेंटी लोगों ने सिर्फ इन रोल किया बाकी है बाकी बच्चे कहाँ हैं अच्छा ठीक है चलो इस सेशन के लिए इतना ही ऐश करो और नाइन थर्टी वाला सेशन ना देखते हैं नहीं होगा तो कल सुबह लेंगे उसका रीजन ये है कि नाइन थर्टी अभी हम सोच रहे हैं सेशन अपना एंड हो चुका है मुझे भी फिर यहाँ पे एक घंटे वेट करना पड़ेगा और उसका भी कोई इशू नहीं है बट टेन थर्टी खत्म होते होते बहुत लेट हो जाएगा फिर ग्यारह बजे हम निकलेंगे एंड दिस इज न्यू सिटी फॉर मी सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम निकल ही जाए तो आ, क्या करते हैं कल सुबह टेस्ट लेते हैं ठीक है तुम लोग को भी क्या होगा ना और एक रीज़न और है खैर उतना भी इशू नहीं आय टीक कैर समथिंग सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ना कि आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का नहीं तो अभी तुरंत टेस्ट लेंगे क्योंकि हमने बहुत फास्ट रिवाइज कराया है टेस्ट हम तुरंत तब लेते जब हम बहुत स्लोली स्लोली करा के आपको याद कराए होते अभी ना मुझे डांटने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों ने अभी लर्न किया नहीं होगा लर्न हुआ नहीं होगा इतने स्पीड में भाई इतनी स्पीड में कुछ नहीं लर्न होना है हाँ समझ आ जाए वो बड़ी बात है अभी देखो आ, तो एक काम करो रात में आप अच्छे से रिवाइज कर लो अभी हम क्या करते हैं आधे घंटे में अभी हम बैठ के यहाँ पे सारी नोट्स वगैरह भेज देते हैं और होगा तो अभी मेरे को खैर काम है तो अभी तुम तो हम यहाँ पे रुकेंगे एम से तो हम सेशन ले लेंगे अगर रिशेड्यूल भी हो गया तो डोंट वरी कल हम उस सेशन को कवर अप कर लेंगे सुबह सुबह ठीक है तो यही है देते रहो स्पेशल क्लास ज्वाइन करो एनरोल करो और ऐश करो और चलो टाटा बाय बाय ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना ठीक है हम आपको सारी नोट्स अच्छा जिनको जिनको नोट्स का टेंशन है ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो यहां पे हम सब भेज दे रहे हैं एक साथ ही जितने आज हुए हैं कल से लेके आज तक हम फिर से फॉरवर्ड कर दे रहे हैं नोट्स का गया कहां पता नहीं कहाँ गायब हो गया ठीक है टेलीग्राम की लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करो वहीं पे हम खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं ओके चलो टाटा बाय बाय सी यू बच्चों इंजॉय करो ऐश करो सो नहीं